हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आगे हम क्या देखेंगे, अब अगला टाइप देखेंगे जो भी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे उसके आगे, ठीक है। तो अगला जो टाइप है वो है टाइप 6। अगर इस फॉर्म में हो, मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स टी एक्स के फॉर्म में हो क्वेश्चन, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या रखना है, आप ऐसे मान लीजिए ए कैपिटल ए चाहे अल्फा करके, मतलब कैपिटल ए मीन्स इसको अंश को आप ऐसे मानेंगे, अंश जो है आपका ना ए साइन एक्स जो है और प्लस बी कॉस एक्स जो है उसको आप ऐसे मान लेंगे, ए इंटू जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो हर का डिफरेंशियल कोफिशियंट, डीसी लिख रहे हैं, मतलब डिफरेंशियल कोफिशियंट यानी अवकल गुणांक, यानी ए इंटू हर का अवकल गुणांक प्लस बी इंटू हर, ऐसे इस फॉर्म में आप मानेंगे बी इंटू क्या रहेगा, हर यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे मान के फिर जो है आप इसको कैलकुलेट करके, मतलब सॉल्व करके और फिर कंपेयर करके क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे, फिर जो है रख देंगे वापस से आके अंश के जगह पे, उस फॉर्म में आपका आंसर मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे लिए, इसको करते हैं। तो हमको क्या मानना है, मान लेंगे माना 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू ए इंटू डी डी एक्स ऑफ हर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x या प्लस बी इंटू हर हर क्या है फिर से 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। सॉल्व करते हैं, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 sin का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। और ये हो जाएगा -4 cos का क्या होता है sin x, मतलब -sin x होता है इसलिए माइनस हमने लगाया यहाँ पे, और प्लस बी के साथ वही है 3 sin x प्लस 4 cos, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3a cos x है और यहाँ पे 4b cos x है, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा 3a+4b cos x, है ना, भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए 3a cos x के साथ यहाँ पे 4b है ना, b का गुणा होगा तो cos x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या 3a+4b। इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ चलेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है 3b है इस साइन एक्स के साथ प्लस में और इसके साथ माइनस में 4 है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 sin x + 3 cos x, तो देखा जाए cos x के साथ 3 है यानी ये 3 के बराबर होगा और sin x के साथ 2 है तो वो 2 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 3a+4b इज इक्वल टू 3 है और दूसरा जो है वो है 3b-4a इज इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिख दें, -4a को पहले लिख दें, कोई बात है नहीं, तो -4a क्योंकि a के साथ ही रखने दें तो -4a+3b इज इक्वल टू 2, है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई तब ये कटेगा, है ना। तो इसमें पहले में हम -4 कर दें और दूसरे में हम क्या कर दें -3 कर दें और फिर जोड़ दें। तो देखिएगा ध्यान से क्या होगा, 4 3 12 12 ठीक है, और ये हो जाएगा 3 चौके 12, तो कट जाएगा जोड़ने पर, यहाँ पे होगा 4 चौके 16
यानी 16 बी, और यहाँ होगा 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 बी हो जाएगा। यहाँ भी गुणा होगा, 4 3 12 और 3 2 6, 12 6 कितना हो जाएगा 18, यानी बी इज इक्वल टू मिल गया 18/25, ठीक है ना। बी इज इक्वल टू क्या मिल गया 18/25। ए इज इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए का मान कहीं भी रख देंगे, किसी भी एक में रख देंगे तो आपका जो आ जाएगा सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा 1/25, ठीक है। आप कर लीजिएगा, किसी दोनों में से किसी एक में रखेंगे तो मिल जाएगा। तो बी 18/25, ए 1/25। अब इस क्वेश्चन को हमको ऐसे लिखना है ना, ऐसे लिखना है, यानी जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन तो बोल रहा है क्या है, ऊपर क्वेश्चन है 2 3 और 3 4, ठीक है, 2 3 और 3 4, और पहला साइन एक्स 2 3 3 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 2 sin x + 3 cos x / 3 sin x + 4 cos x dx। ये हमने तोड़ के कैसे कर दिया, ध्यान से देखें तो ए यानी कि 1/25 और डी डी एक्स आप डी डी एक्स आप 3 sin x + 4 cos x, ऐसे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और फिर प्लस बी, बी कितना है 18/25 के साथ डिनोमिनेटर यानी हर हर क्या है 3 sin x + 4 cos x, और टोटल के अपॉन में क्या हो जाएगा 3 sin x + 4 cos x। ऑब्वियसली यहाँ डी एक्स होगा, जगह नहीं है तो फिर भी जगह हम बना लेंगे ऐसे करके, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अलग अलग कर लेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/25 डी डी एक्स आप 3 sin x + 4 cos x है ना, अपॉन में 3 sin x + 4 cos x डी एक्स प्लस 18/25 है, 18/25 3 sin x + 4 cos x अपॉन 3 sin x + 4 x dx, ये हो जाएगा 1 dx, और ये हो जाएगा आपका, अगर इसको आप इसको t मानेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। इसको जब आप t मानेंगे तो क्या हो जाएगा dt/t, यानी कि log x हो जाएगा, log t हो जाएगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले कुछ क्वेश्चन में भी किया था, log क्या हो जाएगा 3 sin x + 4 cos x, तो इधर हो जाएगा 18/25 x + c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 1 dx हो जाएगा, 1 dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक, और उसमें उसके साथ जो गुणा था वो गुणा रह जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही सिंपल सा था, ऐसे ही सिंपल करना है, ठीक है। बस आपको इनिशियल स्टेप्स पता होने चाहिए, अगर वो इनिशियल स्टेप्स आपको नहीं पता होंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। अगला है, अगला टाइप है, अगला टाइप देखते हैं। तो इस तरह से हो, अगर इस तरह से हो क्वेश्चन तो फिर ना, और यहाँ पे के जो है, यहाँ पे देख रहा है आपको के पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने लिया, जैसे यहाँ पे नेगेटिव 1 है k का मान, यहाँ पे k 0 है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन मिले तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर भी देखिए एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स के पावर 4 है, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं भी हो सकता है, क्योंकि k का मान जब 0 होगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा, तो एक्स के पावर 4 और एक कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में वो भी यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, ठीक है।
सभी काम बनता है हमारा। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है ये सब, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लगाते हैं हम लोग, जैसे ये क्वेश्चन लगाते हैं तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वन प्लस, ठीक है, वन प्लस वन बाई एक्स या वन माइनस वन बाई एक्स के फॉर्म में क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर जो आगे सवाल हल होगा। तो अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से जैसे इसमें भाग देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस वन बाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अगर यहां हम देखें तो यह देखिएगा, आप एक चीज आपको बताएं, जब भी आपका वन माइनस वन बाई एक्स आएगा ना, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, वन बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब ऊपर आपको क्या लाना होगा, ऊपर आपको वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर लाना होगा, ठीक है ना, तभी जाके हो पाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो उसका फिर क्या होगा, फिर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो इस साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। या फिर अगर ऊपर प्लस है तो नीचे किसका पूर्ण वर्ग बनाइए, वन माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो नीचे माइनस वाला बनाइए, ऊपर वाला अगर प्लस है तो वही बात बोल रहे, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस का, ऐसे अपोजिट साइन का होल स्क्वायर बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन इसका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी टू इंटू, तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे माइनस टू होना चाहिए, है ना। तो माइनस टू होने के लिए हम क्या कर लेंगे, एक बार माइनस टू होना चाहिए, क्यों अभी देख लेंगे हम लोग, क्यों माइनस टू होना चाहिए। तो चूंकि एक एक्स्ट्रा माइनस वन हम कर रहे हैं तो एक प्लस वन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस प्लस वन को हमने, एक्स्ट्रा जो प्लस वन है उसको हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, और यहाँ देखेंगे वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया, सीधे सीधे वन प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, प्लस वन यहाँ पे छूट रहा है जो पिछले था ये, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको टी मानेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ही लेट यानी कि माना एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। तो यानी कि ऊपर वाला जो हमारा पूरा डी एक्स है वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन। अब इसका आप जानते हैं, वन टेन इनवर्स क्या होगा, टी होगा, तो टेन इनवर्स टी प्लस टी, ठीक है, टेन इनवर्स टी प्लस टी। अब टी का मान रख दीजिए, यानी टेन इनवर्स टी क्या है, वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए। अब अगला जो है, अगला वाला जो स्टेप है, थोड़ा सा इसमें हमको, थोड़ा सा हमको कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग इसी पे लगाएं, चलिए इसी पे लगाते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं इधर की ओर इसको घुमा देते हैं और क्वेश्चन पे अपने आते हैं। चलिए इसको लगाते हैं, फिर इसको कैसे हम लगाएंगे देखते चलिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे, एक बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा काम, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस दो या माइनस दो ला के हम अपना काम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ऊपर चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, क्योंकि ऊपर वाला भी हमारे पास है नहीं वन बाई वन वन बाई एक्स स्क्वायर, तो हम करेंगे क्या वन बाई टू और टू कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू इंटू टू को ऐसे लिख देंगे, टू को एक बार वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर क्या कर लेंगे वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर कट के क्या हो जाएंगे फिर से जीरो, और वन वन फिर क्या हो जाएगा टू, यानी ऊपर वाला बैलेंस हो गया, ठीक है। हमने कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया लेकिन ऊपर वाला अभी भी वैसा ही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखते हैं, इसको अलग कर लीजिए, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स अलग अलग करना ही पड़ेगा आपको सोल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। और प्लस वन बाई टू यहाँ भी रहेगा क्योंकि वन बाई टू दोनों में गुणा है, तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्यों हमने प्लस दो माइनस दो नहीं किया, इसलिए नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह अलग अलग है, ठीक है। इस पूरे आई को ऐसे मान लीजिए, आई को मान लीजिए आई वन प्लस आई टू, अब दोनों को आपको अलग वे में सॉल्व करना होगा। अलग वे में कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है तो नीचे आपको माइनस का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है माइनस है तो नीचे आपको प्लस का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम दोनों पार्ट नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले में ऊपर प्लस था, ठीक है। तो ऊपर प्लस वाला देखिए हम दूसरा वाला यानी कि सॉल्व करेंगे, प्लस वाला नहीं, ठीक है, दूसरा वाला हम सॉल्व करते हैं यानी जब माइनस है, ठीक, जब माइनस है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, केवल आई टू को, बाकी आई वन आप लोगों को सॉल्व करना हो। वन बाई टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे तब हम प्लस टू जोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको प्लस चाहिए तो टू जोड़ लिया और टू को क्या कर लिया घटा भी लिया, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ये वाला भी हो जाएगा, इसमें भी दो जोड़ लेंगे दो घटा लेंगे यहाँ, लेकिन माइनस दो रखेंगे और प्लस दो को साइड में रखेंगे, ठीक है। तो वन बाई टू, अब देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, अब हम उसको बना नहीं रहे, आप जानते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एक्स्ट्रा है ही। यहाँ पे अब क्या मान लेंगे, इसको टी मान लेंगे, इस चीज को जैसे ही आप टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माना वन प्लस वन बाई एक्स को हमने टी माना, तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, यानी ऊपर डी टी नीचे टी स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, याद करिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन वन बाई टू, तो ठीक है वन बाई टू ए, टू ए कितना है रूट टू, लॉग लॉग एक्स माइनस यानी टी माइनस रूट टू अपॉन टी प्लस रूट, ठीक है, और प्लस सी, सी टू मान लेते हैं,
दूसरा वाला है तो ठीक है, यहाँ पे जब आप कर लेंगे तो 1/4 √2 ये हो जाएगा लॉग, इसको टी को हमने क्या लिया है, एक्स प्लस 1/x माइनस √2/x प्लस 1/x प्लस √2 + c, ठीक है। फिर हो गया है आपका 1/4 √2 लॉग, इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा x² माइनस √2x + 1, और नीचे हो जाएगा x² प्लस √2x + 1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक पार्ट का हुआ, दूसरा पार्ट अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट वाले में वही टेन इनवर्स आएगा आपका, क्या आएगा, टेन इनवर्स आएगा, ठीक है। तो दूसरे पहले पार्ट में जो कि पहला वाला के टाइप जैसा है, तो ये I1 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए काम रहेगा, ठीक है। तो I1 को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स जो भी है हो जाएगा, ठीक है। अब अगले टाइप पे आते हैं, ठीक है। ये तो अगर देखिए, इसमें अगर एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों एक घात के हों, ठीक है, तब जो है y इज इक्वल टू हम मान लेंगे t², ठीक है। क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू t² मान लेंगे, यानी जो ब्रैकेट के अंदर होगा, देखिए कि एक कैपिटल x कैपिटल y लिखने का मतलब यहाँ x प्लस 3, x प्लस y ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसको t² मान लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए x द्विघात का हो और y जो है एक घात का हो, ठीक है, तो रूट वाई को ही टी मान लेंगे, ठीक है। एक्स एक घात तथा वाई द्विघात, तो रूट वाई को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, क्या कर लेंगे हम, रूट वाई को टी मान लेंगे। और यदि एक्स एक घात का हो एक्चुअली ये उल्टा हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्स एक घात वाई द्विघात होगा तो इस केस में आप क्या मानेंगे, इसको आप मानेंगे एक्स इज इक्वल टू 1/t, एक्स की जगह पर क्या मान लेंगे, 1/t। और अगर एक्स द्विघात का हो तथा वाई एक घात का हो, तब आप क्या मानेंगे, रूट वाई इज इक्वल टू टी मानेंगे। और अगर एक्स भी द्विघात हो और वाई भी द्विघात हो, उस केस में आप क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, इस केस में भी आप एक्स इज इक्वल टू 1/t ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस सवाल में आइए, इस सवाल में देखिए क्या है, इस सवाल में दोनों एक ही घात के हैं, एक्स और वाई दोनों पर घात एक है, तो एक है तो हम क्या मान लेंगे, वाई इज इक्वल टू यानी रूट में जो नंबर है उसको हम t² मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू t², तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2t dt, है ना। अब यहाँ से हमको x का मान भी रखना होगा वापस से, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया, t² - 3। तो पूरा क्वेश्चन जो है हम लोग का इस तरह से परिवर्तित हो गया, 2t dt, dx की जगह पर, x की जगह पर t² - 3, ठीक है, और +2 क्या हो गया, t² - 3 और +2, और ये हो गया आपका, हो गया क्या, अंडर रूट में टी, मतलब अंडर रूट में t², तो टी से टी कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट में t² तो टी बचेगा ना, तो क्या बचा, 2 dt / t² - 3 + 2। हाँ, इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, t² - 1, है ना। तो आप चाहे तो आप यहाँ पे t
इसको या तो आप ऐसे कर लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए, या डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि है क्या डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, इसका दो मेथड हो सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के। डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, टू क्या है वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे ना तो आएंगे वहीं पे, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला ही लगा दीजिए। मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर देंगे, टी माइनस वन टी प्लस वन, आएंगे फिर वहीं पे। तो उससे अच्छा है आप डायरेक्ट करिए, वन बाई टू ए होता है, ए की जगह वन होता है, और लॉग क्या होता है टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। आप करके आएंगे तो इसी पे आएंगे, अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो, ठीक है। तो उससे कोई फायदा नहीं, दो से दो कट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा लॉग टी माइनस वन, और टी को हमने क्या माना है, थ्री एक्स प्लस फोर को तो टी माना, मैं देख लेता हूँ एक बार, एक्स प्लस थ्री को टी माना है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री को हमने टी माना है, तो एक्स प्लस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस प्लस सी हो जाएगा यहाँ से, लॉग एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा एक चीज़ गड़बड़ मैं कर रहा हूँ, गड़बड़ क्या है, गड़बड़ तो है यहाँ पे हमने टी नहीं माना है, इसको टी स्क्वायर माना, तो ये यानी कि रूट में हो जाएगा ना, फिर तब तो ये ऐसे हो जाएगा, यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिस हमने टी स्क्वायर माना एक्स प्लस थ्री, तो ये क्या होगा, टी का मान फिर क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री होगा। तो यहीं पे आपका एक क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। बस यही थे, इतने टाइप थे इस स्पेशल चैप्टर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बता दे जो बहुत बार बार पूछा जाता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम बताते हैं, एक सेकेंड। 2016 में आपका पूछा हुआ है, ठीक है, उसका मेथड भी हम बताए थे, उसमें क्या रखना है, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिएगा, क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं और बता दे रहे हैं क्या आपको रखना है यहाँ पे, अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, ठीक है, अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, एक सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, ये 2016 में पूछा हुआ है। तो इसके जगह पे आप क्या रखेंगे, हम बताए थे आपको एक्स इज इक्वल टू आपको क्या रखना है, ए कॉस टू थीटा रखना, ठीक है। अब करेंगे नहीं हम, आपको करना होगा, ए कॉमन कर लीजिएगा, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये ऐसे हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा बच जाएगा, और यहाँ वन माइनस कॉस टू थीटा बच जाएगा, डीएक्स की जगह क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करके आप रख सकते हैं, ठीक है, रखेंगे वहाँ पे। और फिर जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसको रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको टू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर थीटा और टू साइन स्क्वायर थीटा, बता ही रहे हम सब वही चीज़, तो आपको करते ये आना चाहिए, ठीक है, इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। इतना अगर आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो ये तो आएगा ही, ठीक है। तो फिर इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, चैप्टर 5। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे निश्चित समाकलन में, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।